एकदम हम तैयार बैठे हैं। चुनाव आयोग जब चुनाव घोषणा करती है वैसे ही हम चुनाव के लिए तैयार हैं। अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए पूरी तरह मजबूती से खड़ा है। हम सभी 4 सीट जीतने का प्रयास करेंगे। राजद के एक नेता को ये बताने का हिम्मत है कि उन्होंने एक भी व्यक्ति को आरक्षण दिया हो? लालू प्रसाद जी बताएं या कांग्रेस पार्टी ये बताएं कि उसने किसको आरक्षण दिया है? तेजस्वी यादव जी, जनता का विश्वास तो जीत नहीं सके। चोर दरवाजे से सत्ता में आने के लिए आपकी व्याकुलता स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। जिस चीज का यात्रा, अपराधियों को टिकट देंगे, उग्रवादियों को टिकट देंगे, दारू माफिया को उम्मीदवार बनाएंगे। अरे जनता के बीच जाने के पहले उनको कसम खाना चाहिए कि मैं अपराधी और भ्रष्टाचारी को उम्मीदवार नहीं बनाऊंगा। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। कि बिहार विधानसभा के 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी रणनीति में जुड़ गई है। अगर बात हम भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज एक बड़ी बैठक थी। इस बैठक में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा और तमाम जो मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल हुए। देर तक ये बैठक चली। बैठक के बाद बाहर निकलने के बाद जो सम्राट चौधरी और साथ साथ विजय कुमार सिन्हा से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिए हैं कि चारों जो सीट पर चुनाव होने हैं उसके लिए पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग तैयार हैं। चुनाव आयोग जब चाहे तब जो है चुनाव करवा सकते हैं। चारों सीट एनडीए जीतने का काम करेगी। और साथ ही साथ अगर हम बात विजय सिन्हा की करें तो विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पे हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को संविधान का ज्ञान नहीं है। बैठक के बाद क्या कुछ करे दोनों डिप्टी सीएम, आइए सुनाते हैं आपको। पार्टी के संगठन की बैठक है। 2025 में एनडीए की सरकार बनानी है। पार्टी संगठन अपने बूथ से लेकर प्रदेश तक के संगठन को मजबूत करने का काम हम कर रहे हैं। तो पार्टी संगठन मजबूती से काम करेगा। हमारे कार्यकर्ता पूरे बिहार से इसमें एक एक सीट पर हम लोग इसकी चिंता कर रहे हैं और आगे के दिनों में संगठन को और मजबूत खड़ा करना है। नहीं, एकदम हम तैयार बैठे हैं। चुनाव आयोग जब चुनाव घोषणा करती है वैसे ही हम चुनाव के लिए तैयार हैं। अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए पूरी तरह मजबूती से खड़ा है। हम सभी 4 सीट जीतने का प्रयास करेंगे। देखिए, सिर्फ हल्ला करने से काम नहीं चलेगा। राजद के एक नेता को ये बताने का हिम्मत है कि उन्होंने एक भी व्यक्ति को आरक्षण दिया हो? जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। कल भी हम आरक्षण के समर्थक थे और आज भी हम समर्थक हैं। लालू प्रसाद जी बताएं या कांग्रेस पार्टी ये बताएं कि उसने किसको आरक्षण दिया है? आज तक के लोकतंत्र में ना कांग्रेस पार्टी ने किसी को आरक्षण दिया और ना लालू प्रसाद जी ने किसी को आरक्षण दिया। इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। देखिए, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संवैधानिक संस्था का मजाक उड़ावे या भ्रम फैलाए, लोगों को बरगलाने का काम करे, कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। यह व्यक्ति डरा हुआ क्यों है और इस तरह की भाषा क्यों बोल रहा है? ईडी हो या इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो, ये संविधान का संवैधानिक संस्था है और ये संविधान के अनुसार चलता है। जिस व्यक्ति को संविधान में विश्वास है वो संवैधानिक संस्था का न मजाक उड़ाता है, न उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, न भ्रम फैलाता है। ऐसे लोग संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की हत्या करने की मानसिकता रख रहे हैं और ऐसे लोगों के ऊपर जनता की विश्वास खत्म हो रही है। सर, देवेश चंद्र ठाकुर का एक
पाओ नीचे करो। सुप्रीम कोर्ट में नीचे करो देखिए, माननीय न्यायालय का जो निर्णय है, हमने तो कहा कि जो भी निर्णय है, हम संविधान में विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं और माननीय न्यायालय के निर्णय का हम लोग निश्चित तौर पर राष्ट्र हित में और समाज हित में सर्वोपरि मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि बीजेपी अगर आप लोग की बात नहीं मान रही है तो सरकार गिरा दीजिए। तेजस्वी यादव जी, जनता का विश्वास तो जीत नहीं सके। चोर दरवाजे से सत्ता में आने के लिए आपकी व्याकुलता स्पष्ट दिखाई पड़ रही है और सरकार अब गिरेगी नहीं। सरकार 2025 में दो तिहाई से ज्यादा बहुमत से फिर से बनेगी। उसी के लिए यात्रा निकाल रहे हैं सर, अपनी सरकार बनाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं बिहार भर में। किस चीज का यात्रा? अपराधियों को टिकट देंगे, उग्रवादियों को टिकट देंगे, दारू माफिया को उम्मीदवार बनाएंगे, सत्ता में बैठकर अपराध भ्रष्टाचार को संरक्षित करेंगे और यात्रा निकालेंगे। अरे जनता के बीच जाने के पहले उनको कसम खाना चाहिए कि मैं अपराधी और भ्रष्टाचारी को उम्मीदवार नहीं बनाऊंगा। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पर सम्राट चौधरी ये कहते नजर आ रहे हैं कि चार जो सीट पर उपचुनाव होने हैं उसके लिए पूरे मुस्तैदी से NDA तैयार है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने का काम करेंगे। साथ ही साथ डिप्टी CM विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा है कि जो लोग संविधान को का मजाक उड़ाते हैं उन्हें संविधान का ज्ञान नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम लोग संविधान का इज्जत करने वाले लोग हैं, इसीलिए संविधान का सम्मान करते हैं और इस तरह की अनाप शनाप बातें नहीं करते हैं जिस तरह की तेजस्वी यादव कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे थे BS सिन्हा और सम्राट चौधरी, आप भी सुने थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।